आपको पता है मेरी दीदी मुझे बताती थी कि उनके बचपन में ना एंटरटेनमेंट के सिर्फ दो ही साधन हुआ करते थे एक दूरदर्शन और दूसरा स्पोर्ट्स तो सारे बच्चे हमेशा फ्राइडे और वेंसडे के चित्रहार का और वीकेंड मूवीज का वेट करते थे लेकिन दूरदर्शन का ना एक पैटर्न हुआ करता था कि वो हर तीसरे या चौथे वीक में सिर्फ आठ मूवीज ही दिखाता था और इसकी वजह से सारे बच्चे मायूस हो जाते थे और अपना सर पटकने लगते थे क्यों अरे यार क्योंकि इन मूवीज़ में ना ना तो इमोशनल ड्रामा होता था ना धूम धड़ाका होता था और ना ही नाच गाना होता था लेकिन फिर दी जैसे जैसे बड़ी होती गई ना शी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग एंड लविंग दीज ऑफ बीट मूवीज सो एवरी टाइम नाउ दैट आई सेट विथ हर वी टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिस्टिक मूवीज बिकॉज आई लव ऑफ बीट मूवीज एज वेल सो फ्रेंड्स टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्ट सिनेमा पैरल सिनेमा एंड ऑफ बीट मूवीज ये सीरियस वर्क ऑफ आर्ट काफी एक्सपेरिमेंटल होते थे और आपको पता है इनको ना कंप्लेन बॉक्स मूवीज भी बोलते थे और क्या इंस्पायर्ड इटालियन द सिनेमा मूवमेंट स्टार्टेड एज अ प्रीकर्सर फॉर द न्यू इंडियन वेव सिनेमा ऑफ द नाइनटीन सिक्सटीज इन इटली न्यू रियलिज्म बाई स्टोरीज अबाउट पुअर एंड वर्किंग क्लास मोस्टली शॉर्ट एट रियल लोकेशन विथ नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स ये प्राइमरली एड्रेस करते थे डिफिकल्ट इकोनॉमिक एंड मॉरल कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास एंड पॉवर्टी एंड इनजस्टिस इन इटालियन सोसाइटी डायरेक्टर विक्टोरियो दी सीका की बाइसिकल थीम देखने के बाद एक इंडियन डायरेक्टर ना बहुत बेचैन हो गया वो अपने स्टेट में सूखे से सफर कर रहे लोगों की हालत एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी को दुनिया के सामने लाना चाहते थे यस यू गेस दिट राइट आई टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत राय ही मेड पाथेर पांचाली उन्होंने उस समय डेढ़ लाख रुपए में बनाई थी मूवी तीन साल तक सिनेमेटोग्राफर मित्रो के साथ मिलकर की मूवी बनाई थी पाथेर पांचाली और इंटरनेशनल क्रिटिक्स एंड उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते इंक्लूडिंग कान फिल्म फेस्टिवल दिस वॉज इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन सिनेमा अदर बंगाली कंटेम्परे डायरेक्टर्स लाइक ऋत्विक घातक

So this is how Bengali cinema became the torchbearer of parallel cinema movement in India, and it subsequently gained prominence in other film industries as well. to, so, realism in India dates back to early 1920s and 1930s. One of the earliest examples is 1925 classic movie Savkari Pash. The story is about a poor farmer who loses his land to a greedy money lender and is forced to migrate to the city. इस साइलेंट फिल्म में वी शांताराम ने ये कैरेक्टर निभाया था एंड द सीन वेर द डॉग इज हाउलिंग नियर अ हैज बिकम एन आइकॉनिक सीन इन इंडियन सिनेमा 1937 की वी शांताराम की मूवी दुनिया ना माने क्रिटिक द ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन इन इंडियन सोसाइटी ऑफ दैट टाइम The movement started to take shape during the late 1940s by pioneers like Ritwik Khatak, Satyajit Ray, Bimal Roy, Mrinal Sen, Tapan Sinha, Khwaja Ahmad Abbas, Buddhadev Devdas Gupta, Chetan Anand, Guru Dutt and V. Shantaram. This period came to known as the golden age of Indian cinema. They became an important study of the contemporary Indian societies, changing demographics, socio-economic and political scene and prevalent issues of the societies of that time. दो मूवीज को ना मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा चेतन आनंद की नीचा नगर और बिमल रॉय की दो बीघा जमीन क्योंकि रियलिस्टिक मूवीज होने के साथ साथ दे ह्यूज कमर्शियल सक्सेस एंड दे वन पामे दी ओर एंड बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट द कान फिल्म फेस्टिवल अदर फिल्म मेकर्स लाइक गुरुदत्त एंड ऋषिकेश मुखर्जी वर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड कॉमर्शियल सिनेमा इन फिल्म मेकर्स ने मेनस्ट्रीम स्ट्रीम एक्स्ट्रा वैगन और आर्ट सिनेमा की स्टार्क रियलिटी के बीच में एक मिडिल पाथ चुना क्या आपको पता है कि प्यासा इज टाइम मैगजीन बेस्ट हंड्रेड मूवीज ऑफ ऑल टाइम गुरुदत्त साहब 1970s और 1980s में इंडियन आर्ट सिनेमा ऊंचाई के एक नए मुकाम पर पहुंचा गुलजार श्याम बेनेगौल साइद अख्तर मिर्जा महेश भट्ट गोविंद नेहलानी और केतन मेहता जैसे दिग्गजों ने आर्ट सिनेमा को एक नई पहचान दी और साथ ही साथ बहुत सारे बेहतरीन एक्ट्रेस ने भी पैनल सिनेमा की तरफ वेंचर किया आई एम पटी श्योर यू नो ऑल ऑफ देम नसूरुद्दीन शाह शबाना आजमी स्मिता पाटिल ओम पुरी अमोल पालेकर कुलभूषण खरबंदा नीना गुप्ता पंकज कपूर एंड दे बिकेम नोन फेसिस ऑफ पैल सिनेमा अंकुर अर्ध सत्य जाने भी दो यारो सलाम बॉम्बे रुदाली माया दर्पण जैसी मूवीज बनती गई एंड देव देयर मार्क एंड इम्प्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा मनी कॉल डिजर्व स्पेशल मैं बिकॉज उनकी मूवीज लाइक like उसकी रोटी दुविधा और आषाढ़ का एक दिन वर बोल्डली एक्सपेरिमेंटल इन नेचर एंड वर क्रिटिकली अक्मड साइमटेनियसलीफ रीजनल मूवी मेकर सिनेमा इन रीजनल लैंग्वेजेस मलयालम डायरेक्टर अदूर गोपाल कृष्णन स्वयं इनिशियटेड द मूवमेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस हिज अदर मूवीज लाइक एलिपथायम एंड माथी लुकल को काफी सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं आपको पता है मलयाली डायरेक्टर शाजी एंड करुण ओनली इंडियन फिल्म मेकर जिनकी तीन फिल्म हुई हैवली ग्रेट मूवीज बट नाइनटीन नाइनटीज में राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडरवर्ल्ड फाइनेंसिंग ऑफ बॉलीवुड एंड द स्प्रेड ऑफ टेलीविजन चैनल की वजह से डिक्लाइन इन आर्ट फिल्म

उधर बंगाल में रितुपर्णु घोष अपर्णा सेन संदीप रे जैसे डायरेक्टर्स और यहां पे बॉलीवुड में मनी रत्नम पीयूष झान नंदिता दास अनुराग कश्यप और दीपा मेहता जैसे डायरेक्टर्स विलिंग टू तो एक्सपेरिमेंट विथ न्यू थीम्स एंड आइडियाज एंड टेक्निक्स टू मेक इंडियन सिनेमा एंड इन्फ्लुएंशियल टूल फॉर आर सोसाइटी और तब से लेके आज तक आर्ट सिनेमा ने एक सिक्योर्ड एंड परमानेंट पोजिशन बना ली है इन बॉलीवुड फॉर लेकिन भैया आज की बॉलीवुड मूवीज और उनके देखने वालों का टेस्ट ऐसा चेंज हुआ है कि उसके बारे में क्या ही बात करें कोविड ओटीटी साउथ इंडियन मूवीज हॉलीवुड मूवीज इमरजेंस ऑफ न्यू एंड माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजीज इन सब का इंफ्लुएंस ऑन बॉलीवुड ये सारी बाकी कहानी हम किसी दिन आराम से दूसरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए कभी ना कहना प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू एडी और कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए ऐसी मूवीज़ जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया है या फिर आपको इंस्पायर किया है एंड मे बी वी विल टॉक अबाउट देम इन सम अदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड सेलबस तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर